सही देखा आपने आज के थंबनेल में कि 7 स्किल्स एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में अगर आप मेरे साथ 10 मिनट बिताते हैं तो हो सकता है आपको इसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिले जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर आकाश भोरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी पे। आज का जो हमारा वीडियो थीम है उस पर हम बात करने वाले हैं 7 बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में जो कि एक सिविल इंजीनियर को सीखना और अपने करियर पर ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये वीडियो जितने भी वक्त का बने आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अभी से ही एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी पेन लाके बैठ जाइए और इन 7 स्किल्स को नोट डाउन कर लीजिए। चाहे ये 7 स्किल्स आप मेरे थ्रू सीखे, सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू सीखे या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से सीखे, आपको ये कोर्सेज ये ट्रेनिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 स्किल्स आपके जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पाथ है वो बहुत ज्यादा आसान करने वाली है। आई होप आपने पेन और कॉपी रेडी रखा है। तो आज का जो वीडियो सेशन है, जो वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और जो हम सबसे पहले जो थीम है उस थीम पर हम बात करेंगे, टॉप बेस्ट रिक्वायरमेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर। ये जो बेस्ट रिक्वायरमेंट है ये क्या होते हैं इंडस्ट्री के जो कि एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर होने के लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं कमेंट्स में देख रहा हूं फ्रेशर्स के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम फ्रेशर हैं, जॉब नहीं मिल रही, क्या करें, किस तरह से परस्यू करें, आगे कैसे बढ़े। तो उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्किल्स की बात करते हैं, ड्रॉइंग स्टडी एंड एनालिसिस। ये जो हमारी सिविल इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है। चाहे आप एक सबसे छोटे पोस्ट में हो, चाहे आप सबसे बड़े पोस्ट में, अगर आपको ड्राइंग की समझ और उसका एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप किसी भी स्टेज पर आगे ग्रो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये मेरी वर्ड्स को मार्क कर लें आप, ड्राइंग को पढ़ना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ड्राइंग्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी ड्राइंग्स होती है। सबसे पहला अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो सबसे पहली ड्राइंग होती है हमारी वो है सबमिशन ड्राइंग, और जो दूसरी ड्राइंग होती है वो वर्किंग ड्राइंग। अब ये सबमिशन ड्राइंग क्या होता है, जो हम बिल्डिंग परमिशन के लिए हमारे नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास करवाते हैं वो होती है हमारी सबमिशन ड्राइंग, और दूसरी होती है हमारी वर्किंग ड्राइंग जो कि हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जब भी हमारा काम स्टार्ट होता है वहां पर आपने बहुत सारी ड्राइंग्स देखी होंगी साइट पर, उन ड्राइंग्स को हम टेक्निकली कहते हैं वर्किंग ड्राइंग। अगर आप इनको दोनों ड्राइंग्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे विजी सर का बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में वो ऐड हो, उन डिटेल्स में वो आपको उस चीज के बारे में बताएंगे। जैसे मैं बात करूं आपकी बहुत सारी ड्राइंग्स लगती है, प्लान लगता है, सेक्शन लगता है, एलिवेशन लगता है, आपकी लेआउट प्लान ड्राइंग लगती है जिसको हम सेंटर लाइन ड्राइंग भी कहते हैं, आपका फ्लोर प्लान लगता है, आपकी स्टील डिटेल्स लगती हैं जिसके हेल्प से आप पूरा का पूरा बीबीएस बनाते हैं। ड्राइंग को स्टडी करना और एनालिसिस करना आपकी सबसे पहले स्किल्स है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे आपको सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं हमारी सेकेंड स्किल पर जो कि हमको समझ रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि इस स्टैंडर्ड्स के बिना आप कोई भी पार्ट को प्रोसीड या आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जैसे कि मैं बात करूं सीमेंट कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, ब्रिक, मशीनरी मोटर, सीमेंट कॉन्क्रीट, HYSD बार, सॉइल्स, ये तो मैं अभी मैंने कुछ कुछ पार्ट्स के नाम लिखे हैं जो मोस्ट कॉमन है, जिनको आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके IAS कोर्स है जो हमको पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप अभी अभी न्यू इंडस्ट्री में ऐड हुए हैं तो मेरे को ये जरूर पता है कि आपको इन दो कोड्स के बारे में तो जरूर पता होगा, IS 456 2000 और IAS कोड 800 2007, क्योंकि ये हमारा रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज होता है और ये वाला हमारा स्टील के लिए यूज होता है, और आपने अपने कॉलेज लाइफ में स्टील टेबल तो जरूर यूज करके आया है। तो इन तीन के अलावा भी बहुत बड़ी सिस्टम है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है हमारे IAS कोड्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इंडियन स्टैंडर्ड्स की जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आज शाम को 7 बजे एक वीडियो आने वाला है जिसमें कि बहुत सारे वीडियोस के बारे में मैं आपको डिटेल देने वाला हूं कि जो भी चीजें आप यहां पर आज सीखेंगे वो सातों की सातों चीज कैसे आप अलग अलग वीडियोस के थ्रू जान सकते हैं और सीख सकते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के बाद जो आपको सीखना है, डिटेल्ड एस्टिमेशन एंड बिलिंग। ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सिविल इंडस्ट्री पे एक अच्छे लेवल पर स्टेबल करने के लिए, कि जब हम बात करें अगर हमें साइट एग्जीक्यूशन से उठकर इंडस्ट्री के हायर लेवल्स पर जाना है
तो ये एस्टिमेशन एंड बिलिंग कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो एक सिविल इंजीनियर को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर मैं बात करूं एस्टिमेट की, तो आपको पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनाना आना चाहिए, जिसमें कि जितने भी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी मटेरियल यूज हो रहे हैं, जितना भी उनका अमाउंट है, हम बात करें कॉन्क्रीट का, ब्रिक वर्क का, शटरिंग का, पेंट का, पुट्टी का, प्लास्टर का, ईच एंड एवरीथिंग, अर्थ वर्क हो रहा है तो सॉइल का कैलकुलेशन, सारी चीज आपको पूरा डिटेल एस्टिमेट बनाना आना चाहिए। उसके बाद बीओक्यू, उससे हम क्या रेडी करते हैं, बीओक्यू जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज, वो पूरा का पूरा आपको डिटेल पर आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है दोस्तों, तो जाइए कहीं से सीखिए। अगर आप चाहते हैं यूट्यूब की यूनिवर्सिटी से सीखना, तो वहां से भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, ये तो जरूर गारंटी है। लेकिन आप कहीं से भी सीखिए जरूर ये सारी चीजों को, इनको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि बिलिंग के पार्ट की, जो कि एक हायर लेवल का ग्रेड है, जो भी हमारे इंजीनियर्स जितने भी पहले से ही पोस्टेड हैं, जो अलग अलग जॉब डेजिग्नेशंस में हैं, वो अपना ग्रो करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको बिलिंग का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिल्डिंग परस्पेक्टिव, क्योंकि हम बिल्डिंग परस्पेक्टिव में बात करते हैं, बिल्डिंग के लिए अगर मैं बात करूं, तो आईएस कोड 1200 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक के पूरे आईएस कोड आपको गो थ्रू होने चाहिए, क्योंकि वहां पर मेजरमेंट के पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कैसे आप मेजरमेंट लेते हैं और किस तरह से उन मेजरमेंट्स के थ्रू आप पूरा का पूरा बिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिलिंग के लिए, आपको अपने गवर्नमेंट नॉर्म्स को समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी आपको ये पूरी की पूरी बिलिंग प्रोसेस को समझना। सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, क्योंकि हम अगर एक नेशनल लेवल की बात करें, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि पूरे के पूरे एसओआर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर एक पार्ट की डिटेल रेट गिवन है, वहां पर कौन सी क्वांटिटी के हिसाब से कैसे रेट लिए जाते हैं, सारा का सारा उस पार्ट पर गिवन है। तो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है उसमें, जिसमें कि अलग अलग अर्थवर्क, फॉर्मवर्क, शटरिंग, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, ब्रिक वर्क, स्टोन मशीनरी, अलग अलग तरह के वॉल फिनिश, पेंटिंग, फ्लोरिंग, हर एक तरह की डिटेल्स वहां पर गिवन है। आप एसओआर डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से ही, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का। सिमिलरली अगर हम बिलिंग की बात करें, तो दो प्रोसेस में हमारी बिलिंग होती है हमारी इंडस्ट्री में, पहली है आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग और स्लैब रेट कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग। ये दो तरीके से हम बिलिंग परफॉर्म करते हैं, और हमारे साथ आप सीखते हैं गवर्नमेंट बिलिंग भी, जिसमें किस तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी किस तरह की बिलिंग कराई जाती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल पे सीखना होता है। ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई गेस। तो अब हम पहुंच चुके 3 पॉइंट पर, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एन सिविल इंजीनियर, उन 7 पार्ट्स में से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत कम सिविल इंजीनियर समझते हैं, या बहुत कम सिविल इंजीनियर्स के पास इस पार्ट की स्किल्स होती है। बार बेंडिंग शेड्यूल आपको एक अलग निखार कर लेकर आता है, बाकी लोगों की स्किल्स आपको हटा कर लेकर आता है, अगर आपको पूरा का पूरा बीबीएस बनाना आता हो तो, अच्छे से प्रॉपरली अगर हम इसमें बात करें तो आईएस कोड स्पेसिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बार को कैलकुलेट करने के लिए, डिटेल्स ऑफ कटिंग, बेंडिंग एंड बाइंडिंग, किस तरह से बार्स को कटवाना है, किस तरह से उसको बेंड करवाना है, कैसे लगवाना है, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपको ड्रॉइंग रीड करना आता होगा। एस्टिमेशन की बात की हमने बात की बिलिंग की, अब हम बात कर रहे हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की। हर एक सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में ड्राइंग को रीड करना और ड्राइंग को पढ़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो आता है, तो आप इंडस्ट्री का कोई भी काम बहुत आसानी से सीख सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्लीट बिल्डिंग कंपोनेंट्स का बार बेंडिंग शेड्यूल, अगर हम बात करें फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, छज्जा, स्टेयर केस, पाइल कैप, जितनी भी सारी बिल्डिंग एक कंपोनेंट्स में हमारे यूज होते हैं, रेनफोर्समेंट बार का जहां जहां भी यूज होता है, वो सारी चीजें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ड्राइंग के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पार्ट है इसका एक्सेल वर्क, क्योंकि अब स्मार्ट वर्क हो चुका है, इंडस्ट्री स्मार्ट होते जा रही है, धीरे धीरे ग्रो करते जा रही है। अगर आप प्रैक्टिकल के साथ साथ टेक्नोलॉजी में एक साथ खुद को आगे बढ़ाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है आपको कोई भी जॉब को पाने के लिए। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर मैं बात करूं, आप चाहे फ्रेशर भी हो, अगर आप फ्रेशर भी हैं, लेकिन अगर आपके पास आपका पूरा पोर्टफोलियो है, आपने ये सारी चीजें सीखी हुई है, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग ली हुई है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में शो करता है कि हाँ यार, आपने कुछ ट्रेनिंग किया हुआ है, आपको इन सारी चीजों के बारे में अंदाजा है, आपको पता है कि कैसे इंडस्ट्री में पैटर्न में काम किया जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है, तब आपका बहुत अच्छा चांसेस होता है वहां पर जॉब पाने का और आगे बढ़ने का। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें, चौथा पार्ट बार बेंडिंग शेड्यूल आपने नोट डाउन कर लिया,
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन बिल एंड डीपीआर, ये कुछ बड़े बड़े टर्म्स आई नो जो अपकमिंग फ्रेशर्स हैं उनको ये सारे वर्ड्स टर्म्स समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, और जो भी हमारे जो पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए आसान टर्म्स होंगे हो सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन ऑफ मटेरियल, इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये एक तरह का ऑडिटिंग ऑफ मटेरियल्स है। जैसे कि जब हम साइट पर काम करते हैं या फिर कोई भी जो पूरा प्रोजेक्ट के दौरान हमको एक चेक भी करना होता है सारे के सारे पार्ट्स का, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। सारे के सारे एस्पेक्ट्स रेशियो, जो भी हमारा वर्किंग जो वर्क चल रहा है हमारे साइट पर, उसको पूरा का पूरा एक बार चेक करना होता है, ऑडिट करना होता है, वो कहलाता है हमारा रिकॉन्सिलेशन। प्राइस एस्केलेशन का पार्ट है हमारा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बहुत बड़े बड़े ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, तो जो आज रेट है जो भी मटेरियल्स का, जो भी इक्विपमेंट्स का, जो भी रिसोर्सेज का, मैं पूरी की पूरी रिसोर्सेज नाम देता हूं, जो भी रिसोर्सेज का प्राइस है आज, वो दो साल बाद हो सकता है बढ़ जाए या कम हो जाए, जिस भी तरह के जो भी रिसोर्सेज उसका प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है, तो प्रोजेक्ट को उस तरह से भी स्टेबल करना होता है। तो जो आज के प्राइस और आने वाले कल, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, उनके प्राइस को डिफरेंस फाइंड आउट करना और उसको पूरे प्रोजेक्ट में मेंटेन करना, उस अमाउंट को, वो कहलाता है प्राइस एस्केलेशन, जिसके पूरा का पूरा फॉर्मूला गिवन है। वो सारे फॉर्मूलेस के थ्रू हम निकालते हैं कि क्या अप एंड डाउन हो सकते हैं प्राइस और रेट, उसके हिसाब से हम आज के प्रोजेक्ट पे मनी को इन्वेस्ट करते हैं या आज के प्रोजेक्ट में उस हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपको अलग बनना है, जितने भी मेरे वर्किंग इंजीनियर्स हैं जो साइट पर अभी काम कर रहे हैं या आगे चल के करने वाले हैं, उन्हें पता होगा कि डीपीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको एक एक दिन का वहां पर पूरा का पूरा सारी चीज नोट डाउन करके रखनी होती है। क्योंकि कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले कितने अगर आपका मटेरियल आया था, तो कौन कौन सा मटेरियल आया था, किस क्वांटिटी अमाउंट में आया था, उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता होंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं डीपीआर की, जब हम एक एक पार्ट को बनाते हैं, तो आपको रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आपके अप हैंड में आपकी जो कंपनीज की सीनियर अथॉरिटीज हैं जिनको आप रिपोर्टिंग करते होंगे, तो उस डीपीआर के थ्रू आपको पूरा का पूरा वर्क फ्लो, पूरा का पूरा लेबर मैनेजमेंट, एक एक दिन का अगर आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देते हैं आपकी कंपनी को डीपीआर में, तो ही आप एक अलग लेवल पर इंजीनियर बन के निकल सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के बाद हम बात करते हैं हमारे सिक्स पॉइंट की, जो है साइट एग्जीक्यूशन वर्क। एक सिविल इंजीनियर के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट साइट एग्जीक्यूशन वर्क, क्योंकि साइट एग्जीक्यूशन वर्क में जो सिविल इंजीनियर की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो होती है पूरी की पूरी चेकिंग। अगर आपकी चेकलिस्ट बहुत सॉलिड हो जाएगी, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं फॉलो करनी होगी। आपको चेकलिस्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है साइट एग्जीक्यूशन वर्क में। अगर मैं बात करूं उसमें, जो हमारे सबसे पहला पार्ट आता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, लेआउट वर्क, लेआउट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें सेंटर लाइन लेआउट की, ब्रिक वर्क लेआउट की, किसी भी तरह के लेआउट की, अगर हम बात करें टाउनशिप लेआउट भी होता है हमारा पूरा का पूरा, तो वो लेआउट भी कराना आपको डिटेल पर आना चाहिए। क्वांटिटी कंट्रोलिंग एज पर इंडियन बिल्डिंग कोड्स, अगर हम बात करें क्वालिटी कंट्रोलिंग, इस पार्ट को भी आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस, जो मैंने बात की आपसे चेकलिस्ट, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आपको कंपनी का भी प्रॉफिट करना है और जो आपका साइट पे काम हो रहा है वो भी क्वालिटी होना चाहिए। ये खास जो स्किल सेट है एक इंजीनियर के अंदर, वो उसको ग्रो करनी चाहिए। लेकिन वो ग्रो कैसे होगी, लर्निंग के ही थ्रू वो सारी चीजें ग्रो हो सकती हैं। तो आपको आज के टाइम पे लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंजीनियर, क्योंकि अगर आज आप लर्न नहीं करेंगे तो आगे चल के आप अर्न भी नहीं कर सकते। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें लेबर मैनेजमेंट एज पर साइट कंडीशंस, लेबर की हैंडलिंग, लेबर को मैनेज करना, ये सारी टैक्टिक्स तो ऐसी है कि आपको साइट पर काम करके धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले के जो भी मैंने पूरा आपको पार्ट्स बताए, वो आप साइट में जाने से पहले भी सीख के जा सकते हैं, ताकि आपकी ग्रोथ वो रैपिड हो, उसमें आप एक्सेलरेट करके आगे बढ़ सके अपनी इंडस्ट्री पे। और आज का आखिरी और सेवेंथ पॉइंट जो है हमारा, वो है सॉफ्टवेयर स्किल्स, जो कि अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी में आपको अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप मेरी ये बात नहीं मान रहे कि नहीं सर सॉफ्टवेयर में हमको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं करना है, तो आज आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। आने वाले समय में आपको इस चीज का रिग्रेट जरूर होगा सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में, कि क्यों मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं सीखे, क्या अगर मैं इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सीखता एक अच्छे लेवल पर, तो मेरी इस टाइम की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा आगे होती। तो इन सॉफ्टवेयर्स में जो हम बात करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, जो कि पूरा का पूरा प्रॉपर 2D प्लानिंग के लिए। मेरा सॉफ्टवेयर कहने का मतलब यह है कि आपको कमांड नहीं सीखना है,
कि भैया गए किसी भी इंस्टीट्यूट में जो सॉफ्टवेयर वगैरह की ट्रेनिंग देते हो, फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है आपके लोकल में, गए ऑटो कैट चलाना सीख के आ गए। ऑटो कैट चलाने से कुछ नहीं होगा, एक सिविल इंजीनियर का काम क्या है पहले वो पता करिए ऑटो कैट में आप, तब उसके बाद किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाइए और वहां पर सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, क्या सर ये जो चीजें जरूरी हैं एक सिविल इंजीनियर के, क्या ये सिखाएंगे आप मुझे ऑटो कैट में, या फिर सिर्फ ऑटो कैट चलाना सिखा देंगे। सॉफ्टवेयर सीखना मतलब ये नहीं कि वो आपको चलाना आ गया, उसमें आपका क्या काम है, एक सिविल इंजीनियर की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सीखना आपको बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो ऑटो कैड में हम सबमिशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग का पूरा काम सीखना, वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करना, पूरा का पूरा डिटेल की कैसे ड्राइंग पास होती है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखना, सारी की सारी डिटेल में ये सारी चीजें आपको सीखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। रेविट, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखिए पूरा का पूरा, ये आपके 3D मॉडलिंग और 3D डिजाइनिंग के लिए काम आता है। बहुत सारे इंजीनियर्स पूछते हैं कि सर ऑटो कैड में भी तो 3D बनता है, ठीक है सर बना लीजिए आप 3D, ये जरूर पक्की बात है कि आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे ऑटो कैड की 3D बनाने में। आपको बहुत ज्यादा अगर आप इम्पेशेंट हैं तो फिर आपका 3D बन गया ऑटो कैड में। 3D के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, तो आपको उन सॉफ्टवेयर्स पर जाना होगा क्योंकि इंडस्ट्री में ये सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं बहुत पहले से और लोग इन्हीं को ही फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे ड्राइंग्स डिजाइंस बना रहे हैं, तो आपको इन सॉफ्टवेयर्स में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो उसको फॉलो करने के लिए। स्टैड प्रो, ई टाइप सॉफ्टवेयर्स, सैप 2000, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सॉफ्टवेयर्स में किसी भी सॉफ्टवेयर को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। स्टैड प्रो, ई टैब्स हम हो गया हमारा, सैप 2000, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल पार्ट में बहुत एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं, तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स का भी ओवरव्यू सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब जो हम बात करने वाले हैं जिन दो सॉफ्टवेयर्स की, वो एक अलग ही एडवांस लेवल पर है क्योंकि वो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल के सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देते हैं, वो हमारा MSP एंड प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर। MSP यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड प्राइमावेरा, ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के साथ सारी चीजें डिटेल पे सिखाई जाती है, बताई जाती है, पूरा का पूरा लर्निंग गिवन दिया जाता है इसमें कि प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल किया जाता है फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो 7 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, इन 7 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना चालू कीजिए, सीखना चालू कीजिए, सारी की सारी लर्निंग लेना चालू कीजिए, चाहे आप हमसे लें, चाहे किसी भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से लें, चाहे आप गूगल से लें, चाहे आप कहीं से भी लें, चाहे किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, चाहे किसी साइट पर जाएं, कॉन्ट्रैक्टर से पूछें, अपने किसी कलीग सिविल इंजीनियर से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, किसी से भी पूछें, इस लर्निंग को करना स्टार्ट करिए और माय वर्ड्स की इंजीनियर्स आपको ये सारे चेंजेस देखने को महसूस होंगे आपके अंदर कि आपने इन 7 चीजों पे अगर वर्क किया तो आप जरूर बहुत एक अच्छे लेवल पर बन के निकल सकते हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं। अगर आप ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़कर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं हमारे साथ, हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में डिटेल पे हम बात करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जो सिविल गुरुजी ने डेवलप करके रखे हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, जहां पर वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं इस पार्ट में, और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अभी तक मैंने 7 पॉइंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रॉपरली कवर अप करते हैं हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं हमारा www.civilguruji.com वेबसाइट। अगर आपको बातें करनी है हमारे काउंसलर से, करियर के बारे में जानना है, हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स लेनी है, तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234। इस नंबर पर कॉल करिए, कॉल करके काउंसलर से क्वेरीज करिए कि इन कोर्सेज में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, जो भी सारी चीजें एप्लीकेशन में विजिट करिए, कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको सीखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें उनसे पूछिए, हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए और आप इसी तरह से लर्निंग को बढ़ाते रहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे तो आपकी अर्निंग जरूर बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ आज शाम को 7 बजे हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।